हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग गैसियस स्टेट गैसियस स्टेट में हम आइडियल गैस की बात कर चुके थे हम रियल गैस की भी बात कर चुके हैं और अब बस एंड है वी विल टॉक अबाउट ईडियोमेट्री एडियोमेट्री मींस वॉल्यूम एनालिसिस और फाइंडिंग आउट द कंपोजिशन ऑफ ए गैस मिक्सचर यूजिंग एडियोमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल मैथड है क्या है पहले हेड लिखो एडियोमेट्री Volume measurement. So, what is the geometry? An experimental method to uh, determine. composition of gas mixture or to uh, find molecular formula of a compound for example organic compounds तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू डिटरमिन डिटरमिन एन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमिन कॉम्पोजिशन ऑफ ए गैस मिक्सचर और टू फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल इज कॉल्ड इज इडियोमेट्री इज कॉल्ड इडियोमेट्री कॉल्ड इडियोमेट्री तो देखो ध्यान दो आ, इसको आप सिंपली यू भी कह सकते हो और आ, इडियोमेट्री इज एनालिसिस ऑफ गैस मिक्सचर इज गैस एनालिसिस गैस मिक्सचर एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है और मेन पर्पज होता है टू फाइंड आउट द ऑफ फॉर्मुल कंपाउंड और टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर एक ईडियोमेटेड ट्यूब होती है इस टाइप की इस टाइप की एक एडियोमेटेड ट्यूब होती है और यहाँ एक वॉल्व लगा हुआ होता है यहाँ से हम गैस इसमें मिक्स करते हैं और एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ होता है लाइक like दिस यहां ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं ताकि वॉल्यूम हम मेजर कर सकें मान लो ये मान लो 10 ml, 20 ml एंड सो ऑन और दिस इज ओपन टू वन एंड सो द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम्स का तो वॉल्यूम्स आर मीजर्ड वॉल्यूम्स ऑफ Gases are measured uh, at constant pressure and temperature. Constant pressure and temperature per uh, volume of the gases are measured through idiometer e tube by using idiometer e tube. यू डी आई ओ यूडियो मीटर ट्यूब लाइक दिस अच्छा मेन लॉजिक क्या है मोल कॉन्सेप्ट है अनदर फॉर्म ऑफ मोल कॉन्सेप्ट वेर we read stoichiometry of a gaseous reaction in terms of volumes rather than Of moles. क्यों फॉर गैसेस वी कैन यूज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और यदि ऑल द वॉल्यूम्स आर मीजर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन एट सेम टेम्परेचर, आप क्या बोलोगे नंबर ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स जो स्टाइक्योमेट्री हम मोल्स में पढ़ते हैं द सेम स्टाइक्योमेट्री वी कैन रीड इन वॉल्यूम्स ऑल्सो मैं एग्जाम्पल लेकर बात करता हूं जैसे मान लो कोई रिएक्शन है टू ए प्लस मान लो गैसियस रिएक्शन, 3B थ्री बी प्लस कन्वर्टिंग टू सी प्लस मान लो टू डी ये रिएक्शन है बैलेंस्ड, ये बैलेंस रिएक्शन है वैसे तो आप स्टाइक्योमेट्री कैसे पढ़ते हो इसकी कि व्हेन टू मोल ऑफ ए कंप्लीटली द विद्री मोल ऑफ बी मतलब दोनों पूरे रिएक्ट हो गए Then it forms one mole of uh, c and two mole of D. d e to up but a that volume is directly proportional to the number of moles so have unique acid now two liter of a when completely reacts with the three liter of b both reacted it will form one liter of c and two liter of d so like that also you can read like that also you can read. तो मोल्स की जगह पर आप वॉल्यूम में भी स्टाइक्योमेट्री पढ़ सकते हो प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर स्टाइक ऑफ इडियोमेट्री तो बाय मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम वी कैन फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन और वी कैन सॉल्व स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स दैट इज कॉल्ड इडियोमेट्री तो हम वॉल्यूम में अच्छा लीटर में ना पढ़ो तो एमएल में पढ़ सकते हो क्या टू एम एल ऑफ ए वेन रियक्ट विद्री एमएल of B and react completely under same pressure and temperature conditions, then you will get 1 mL of uh, C and 2 mL of D. So like that also you can say. So this is the method of uh, finding out the composition of the gas mixture. अब बात आती है एडियोमीट्री का ये कॉन्सेप्ट था. एडियोमीटर ट्यूब में हम वॉल्यूम मीजर कर लेते हैं रिएक्शन में और उन वॉल्यूम्स की मदद से हम स्टाइकुमीट्री पढ़कर के we can find out whatever is required. आईआईटी आई मेन में एडवांस्ड में इवन नीट में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने होते हैं जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बस चूंकि गैसेज इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसलिए हमने इसको गैसेज स्टेट में रखा हुआ है सम ऑथर्स कीप दिस टॉपिक इन देअर बुक इन मोल कॉन्सेप्ट सम कीप इन गैस स्टेट सो इट्स इट इज नॉट ए बिग डेल आप कहीं भी पढ़ सकते हो चूंकिव्ड्स वाई आम टेकिंग इन गैसेज स्टेट अच्छा, कुछ पॉइंट आते हैं एज ए नोट करके एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सम सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, तो सम सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स आर यूज्ड टू एब्सॉर्ब गैस गैसेस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एकदम पक्के से याद होना चाहिए इसका यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा जैसे मान लो गैस लें और सॉल्वेंट कौन सा लें टू एब्जॉर्ब इट तो मान लो जैसे आ, गैस है फॉर एग्जांपल सीओ टू गैस या आ, आप सीएल टू गैस भी ले सकते हो एसओ टू भी गैस ले सकते हो तो एक्वस के सोलूशन फॉर एब्सॉर्बिंग कार्बन मोनॉक्साइड वी यूज अमोनिकल क्यूप्रसक्लोराइड क्लोराइड सी जैसे ऑक्सीजन uh, को गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए सब गैसेस ही तो हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वी यूज एल्केलाइन पायरोगलोल याद रखने हैं, सब क्वेश्चन में काम आएंगे ओजोन गैस इज एब्सॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल अमोनिया एच सी एल टाइप के जो वेपर्स हैं दे आर और गैसेज आर वेल एब्सॉर्ब्ड बाई वॉटर एच टू लिक्विड सो दीज आर समच आर यूज लाइक एक्वस केवच इज यूज फॉर एब्सॉर्बिंग सीओ टू सी एल टू एसओ टू गैसेज कार्बन मोनोक्साइड के लिए अमोनिकल क्यूपक्लोराइड सी यू सी एल ओ टू के लिए एल्केलाइन पायरोगलोल ओजोन के लिए टर्मटाइन ऑयल अमोनिया एंड एच के लिए वाटर एंड वाटर इज यूज अच्छा वाटर वेपर्स को कौन एब्सॉर्व करेगा ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है वाटर वेपर्स एच टू वेपर्स उसके लिए समिहाइड्रेटिंग एजेंट विल बी यूज एंड मोस्ट कॉमनली लाइक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं आप जानते भी मॉइस्चर मॉइस्टर करने के बाद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ऑल्सो कैन बी यूज और कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओफोर विच इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। तो ये सब कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट दीज सॉल्वेंट्स विल बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल अब यही बात आती है कि जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही हैं बट वी हैव टू मीजर द वॉल्यूम्स अंडम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन एंड वी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बट यही पे एक बात ध्यान दें इडियोमेट्री में हम कुछ एजम्शन लेते हैं फॉर सोल्विंग प्रॉब्लम तो लिखो एजम्पन्स टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इडियोमेट्री और इडियोमेट्री एजम्शन टेकन इन ईडियोमेट्री नंबर वन देखो किसी हाइड्रोकार्बन का या किसी कंपाउंड का कंबेशन कराना है तो नॉर्मल प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूसड और विल बी एज्यूम टू बी प्रोड्यूस्ड Most common products of a reaction are assumed to be produced if not mentioned in question. मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आर एज्यूम टू बी प्रोड्यूज इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन है कंबस्टन है और कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने तो फिर क्या प्रोडक्ट मानोगे तो प्रोडक्ट ये मानोगे देखो मानोगे प्रोडक्ट कार्बन विल कन्वर्ट टू सीओ टू एंड एच टू हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इन टू एच टू एच टू विल बी लिक्विड और गैस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर मेंशन इफ टेम्परेचर इज नॉट द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर रूम टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर पे एच टू ओ विलेकन लिक्विड एंड ऑब्वियसली सी टू विल बी गैस तो यह ध्यान रखना है कार्बन मोनोक्साइड एंड एच टू ओ टू नहीं मानना है सर ऐसे कौन मानता है अरे मान लेते हैं भैया ये तो तुम स्टूडेंट्स तो कहाँ से कहाँ तक सोच लेते हो और सब एग्जाम में सोचते हो फाइनल मेन एग्जाम में आईआईटी मेन या आईआईटी एडवांस्ड में और गलती वहीं करके आते हो पहले नहीं घर पे नहीं करते प्रैक्टिस के दौरान और वहीं दिमाग में आएगा एच टू ओ टू क्यों ना बना सी ओ क्यों ना बना अरे भाई नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो कंप्लीट कम्बेशन मानते हुए यू विल हैव टू फॉर्म सी ओ टू एंड एच टू ओ फॉर एग्जाम्पल और जैसे आ, मान लो अमोनिया है अमोनिया गैस स्पार्क जन स्पार्क पास्ड स्पार्क कराएंगे तो यू विल से दैट एन टू प्लस एच टू विल बी फॉर्मड आपको मान के चलना है और मान लो एन टू प्लस एच टू का मिक्सचर लिया गैसेस का और क्वेश्चन कहे कि स्पार्क जनरेट कराया तो आपको अमोनिया ही मानना है कुछ ना दिया हुआ क्वेश्चन में क्यों सर हाइड्रोजन क्यों ना बना अब आप हंसोगे कि सर अमोनिया ही तो बनता है आल्सो कैन फॉर्म हाइड्रोजन इज एन टू एच फोर आप को ना कोई ना मानना चा चाह क्वेश्चन कुछ ना चाह रहा हो कि मुझे नंबर ना मिले एग्जाम में तो भैया वो हाइड्रोजन भी तो मान सकता है बट नहीं आपको मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट शुड बी एज्यूम टू बी प्रोड्यूस्ड तो एन टू और एच टू के मिक्सचर में स्पार्क जनरेट कराओगे तो यू विल फॉर्म अमोनिया फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है और जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मैंने पहले भी कहा है जिसमें कार्बन है मान लो हाइड्रोजन है सी एक्स एच वाई ओ जेड एस एम पी क्यू एंड मान लो एन आर ऐसा कोई कंपाउंड था मान लो कंबस्टन कराया तो क्या मान के चलना है सीओ टू मान के चलना है एच टू ओ मान के चलना है एसओ uh, टू मान के चलना है पी फोर ओ टेन मान के चलना है और नाइट्रोजन इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन टू गैस ये मैंने पहले भी बताया था बस का एक ही एक्सेप्शन है क्या हाउ एवर इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ज नाइट्रो कंपाउंड देन एनोटू विल बी फॉर्म अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रो ग्रुप है एनोट्रू एनोटू तो फिर कंबेशन कराने पर यू विल फॉर्म एनोटू वरना नाइट्रोजन विल बी लिबरेटेड एज एन टू तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और भी पॉइंट्स आएंगे सेकंड पॉइंट लें सेकंड पॉइंट यह है कि अगर कोई गैस मिक्सचर है तो एन टू गैस प्रेजेंट इन गैस मिक्सचर ऑन कंबस्शन विल नॉट फॉर्म एनी ऑक्साइड एन टू गैस रिमेन विल रिमेन एज यूजल एंड अनरिएक्टेड एन टू गैस प्रेजेंट मान लो गैस मिक्सर है उसमें एन टू भी है एच टू भी है मान लो फॉर एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल लेके बात करूं मान लो आपसे कहेंगे एच टू का गैस मिक्सर है ओ टू भी है और एन टू भी है मान लो ये गैस मिक्सचर है प्लस मिथेन गैस मिक्सचर है आपने कंबस्चन करा दिया ओ टू के साथ कंबस्चन इस गैस मिक्सचर का तो क्या बनाओगे एच टू विल बी कन्वर्टेड टू एच टू ओ एन टू विल बी लिबरेटेड एज यूजल एन टू प्लस कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू सीओ टू एंड अगेन एच टू ओ विल बी फॉर्मड तो एन टू का कंबेशन नहीं कराओगे एन टू ओ टू से रिएक्ट नहीं करता एन टू एंड ओ टू रियक्ट एन टू एंड ओ टू रियक्ट ओनली under extreme conditions n2 and o2 uh, react gases of course n2 and o2 gases react uh, only under extreme conditions and in presence of catalyst तो याद रखें एन टू एंड ओ टू डू नॉट रिएक्ट तो एन टू ओ टू रियक्ट केवल कैटलिस में और एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्शन करते हैं नॉर्मल इडियोमेट्रिक कंडीशन में एन टू विल नॉट रिएक्ट विद ओ टू तो ये थर्ड ध्यान रखना इनका अच्छा कई बार जब हम हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबेशन कराएंगे तो ऑन कंबे ऑफ मोस्टली क्वेश्चन कंबे के ऑर्गेनिक और कंपाउंड के ही होते हैं On combustion of uh, hydrocarbon or an organic compound, on combustion of hydrocarbon or an organic compound, uh, H2O will be. Considered liquid if temperature is not mentioned in question. If temperature of volume measurement is not mentioned in the question. मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम्बेशन कराया आपने और एच टू ओ बना तो हम क्या मानने टेम्परेचर तो कुछ दिया ही नहीं विल एज्यूम रूम टेम्परेचर तो ये हम टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ है तो विल एज्यूम रूम टेम्परेचर तो क्या लिखते हैं इसको एज्यूम ऑल वॉल्यूम मेजरमेंट्स आर एट रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर फिर एच टू ओ किस फॉर्म में लिया जाएगा लिक्विड में अब मेन बात तो अब आएगी क्या इन सच केस वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इज इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर गैसेस प्रेजेंट अब ये बात तो आपको मालूम ही है कि गैसेज के वॉल्यूम लिक्विड हैं। मान लो किसी हाइड्रोकार कराया, CO2 गैस बनी साथ में H2O बना उसे लिक्विड ड्रॉपलेट्स मान लिया आपने तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम हम नेग्लीजेबल मानेंगे इन कंपेरिजन टू दी ओ गैस प्रेजेंट तो एच गैस को हम प्रेजेंट हम इग्नोर कर देंगे फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन तो ये थे कुछ एजमशन फॉर सोलविंग क्वेश्चन ऑफ इडियोमेट्री तो ईडियोमेट्री क्वेश्चन के ये तरीके थे मैंने सारी बातें लिख दी है ना वी विल अपन अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखें क्वेश्चन सोल्व करने में uh, uh, अगर, अगर क्वेश्चन uh, ने एलकेन कहा है तो क्या मानकर चलोगे सी एन एच टू एन प्लस टू आप यह तो सबको पता होता है पता है या नहीं पता है मुझे तो बताना है आई विल टेल कंप्लीट एलकीन सी एन एच टू एन एलकाइन तो उसका फॉर्मूला लोगे सी एन एच टू एन माइनस टू और यदि हाइड्रोकार्बन बोला है तो क्या मान के चले अब हाइड्रोकार्बन तो ये सब भी हैं बट अब चूंकि मेंशन नहीं है ना कि एल्कीन है कि एल्कीन है या एलकाइन है तो हाइड्रोकार्बन माना है तो हम फॉर्मूला मान लेंगे सी एक्स एच वाई और बाकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ दिया हुआ होगा तो जो जो एलिमेंट्स उसमें कहेंगे उनको हम मान लेंगे एक्स सी एक्स एच वाई ओ जेड एस एम फॉस्फोरस पी क्यू एंड लाइक दैट एंड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ इडियोमेट्री इडियोमेट्री मीन्स मोल कॉन्सेप्ट बट वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन द दिटर ट्यूब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो lecture. That's it for now.